हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने पोएम लेके आई हूँ, ये पोएम न सिर्फ स्कूल कोर्स में बल्कि कॉलेज लेवल तक भी इसको पढ़ा जाता है। और ये जॉन कीट्स की पोएम है। जॉन कीट्स जो है वो रोमांटिक पोएट माने जाते हैं और ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो वो वैसे ट्रेन्ड एज अ सर्जन थे, लेकिन उनको पोएम्स लिखना और अपने रीडर्स को खुश करना बहुत अच्छा लगता था। तो उनका जो एक कलेक्शन है एंडीमियन पोएटिक रोमांस, उसमें से आपकी जो ये करंट पोयम है वो ली गई है, द थिंग ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत अच्छी पोयम है, हम इसको अब पढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो चीज खूबसूरत है, इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी देने वाली है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती इसकी खूबसूरती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी नथिंगनेस मतलब गायब नहीं होती, डिसअपियर नहीं होती, खत्म नहीं होती, बल्कि खूबसूरती हमेशा बढ़ती रहती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर होता है छायादार चीज, जैसे कोई बड़ा सा पेड़ होता है और उसके नीचे छाया होती है, झुरमुट होता है खूब सारी बेलों का और पेड़ों का, जिसके नीचे अच्छी सी छाया होती है। तो कि खूबसूरती जो है, यहाँ खूबसूरती उसका किससे मतलब है, इट्स नेचर, ठीक है ना, प्रकृति की वो खूबसूरती को देखता है। गॉडेस मून को ढूंढते ढूंढते तो वो जंगलों में जाता है, समुद्र के नीचे जाता है, तो उसको जो खूबसूरती प्रकृति में नजर आती है वो यहाँ दिखा रहा है। तो वो कह रहा है कि खूबसूरती जो है वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि इसकी लवलीनेस जो है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और ये कभी डिसअपियर नहीं होगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, कि हमारे लिए एक शांत छायादार जगह तैयार करती, अस्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमारे लिए गहरी खूबसूरत सपनों वाली नींद तैयार करती, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें शांत सांस देती है, एक अच्छी हेल्थ देती है, और शांत स्वीट ड्रीम्स वाली एक अच्छी नींद देती है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो यहाँ पर होता है, इसका मतलब है मॉर्निंग, इसलिए हर सुबह आर वी रेडिंग स्पाइट अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, कि हम जब सुबह उठते हैं तो खूबसूरत फूल खिले हुए दिखते हैं हम, एक बैंड रीथिंग मतलब गूंथना, एक माला की तरह, माला फूलों की माला गूंथते हैं, और उस फूलों की माला के जरिए हम पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मतलब डिसअपॉइंटमेंट, जितनी निराशा है दुनिया में, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे व्यक्तियों की जो क्रूर कमी है इस दुनिया में, ऑफ ग्लूमी डेज, जो दुख भरे दिन है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कंड वेज, जो सारे अनहेल्दी और ओवर डार्कंड अंधकारमय रास्ते हैं, मेड फॉर आर सर्चिंग, जहां हम घूम रहे हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये सारी जो हमारी जिंदगी में दुख और तकलीफ लाते हैं, इनके बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, पाल यानी कि डार्कनेस। कुछ ऐसी चीजें हैं, खूबसूरत चीजें, ब्यूटी, जो इस डार्कनेस को खत्म करती है। फ्रॉम ऑल डार्क स्पिरिट्स आर डार्क स्पिरिट्स, हमारे मन में जो बुरी शंकाएं हैं और सोच है, उनको सबको हटाती है। अब देखिए, यहां तक तो पोएट ने क्या किया था, अनहेल्दी डार्कंड वेज बताए थे, और ग्लूमी और ये सारी चीजें, मतलब अंधकारमय और बुरी बुरी चीजों के बारे में बात की। अब आगे पोएट क्या बात कर रहा है, सम शेप ऑफ ब्यूटी सच एज द सन, द मून, कौन कौन इस दुनिया में कौन है जो खुशी और प्रकाश फैलाता है, सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ चाहे वो बड़ा हो या छोटा खूबसूरती देता, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग मतलब जमीन में से उगना, अ शेडी बून, शेडी मतलब छायादार घना, बून वरदान, शेडी बून फॉर सिंपल शीप, घास ही घास उगती है, घनी घास जो एक शीप के लिए, भेड़ के लिए, मतलब एक जानवर के लिए वरदान होती है, एंड सच आर डेफोडिल्स,
डेफोडिल्स फ्लावर्स हैं जो नदी के किनारे किनारे खूब उगते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और हर तरफ हरियाली होती है। तो कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं? प्रकृति है जहां से घास निकल रही है, सन है, मून है, पेड़ है, डेफोडिल्स है जो हरियाली चारों तरफ, ग्रीन वर्ल्ड है, एंड क्लियर रिल्स। रिल है देखिए छोटी नदी या नदी की धारा जो होती है, वो पानी की धारा, दैट फॉर देमसेल्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक्स, कूलिंग कोवर्ट ठंडा झुरमुट जो बनाती है, मतलब हरियाली हरियाली और खुद के लिए क्लियर रिल, ये जो साफ पानी की धारा है ये खुद के लिए ठंडक बना रही, मतलब पृथ्वी को पलट के वापस ठंडा कर रही है अगेंस्ट द हॉट सीजन, इस गर्मी के अगेंस्ट में। द मिस्ट मिड फॉरेस्ट ब्रेक, घने जंगल में एक थिक घास उगी हुई है, रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और वो जो हरी हरी घास जो है घनी घनी सी, वो क्या है, मस्क रोज एक तरह का फूल है, वहां फूल ही फूल खिले हुए, मस्क रोजेस फूल खिले हुए हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मतलब गरिमा ऑफ द डूम्स, नियति वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड मतलब हमारे वीर जो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी गरिमा है जो नियति हमें दे रही है, मतलब हम उन पर जो है गरिमा करें, गर्व करें। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रेड, उन वीरों की जो कहानियां है जो हमने पढ़ी और सुनी है, दैट एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल अमर अनश्वर, और पोरिंग इनटू अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, कि ये जो हमारे जो माइटी डेड हैं, जो वीर हैं, इनकी गरिमा की जो हमने कहानियां सुनी है वो हमारे लिए इमोर्टल एक हेवन से, हेवन यानी कि स्वर्ग, स्वर्ग से आने वाली एक हम पे दुआ की तरह है। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि कीच जो है वो नेचर की गोद में बहुत खुश है और प्रकृति की खूब तारीफ कर रहा है, और प्रकृति उसके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमेशा रहेगी, और समय के साथ इसकी खूबसूरती बढ़ती रहेगी, इसकी लवलीनेस जो है वो इंक्रीज रहेगी, दैट विल नेवर डिसअपियर, कभी वो खत्म नहीं होगी। ये पोयम पढ़ी हमने, अब हम इसकी समरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके वापस से पैराफ्रेज और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बच्चों हम इसकी समरी देख रहे हैं, पहले शॉर्ट में है कि इसको रेफरेंस करते हुए देख रहे हैं कि ये क्यों है। तो ये देखिए, जॉन कीट्स ने ये पोयम लिखी ना, तो उसका बेस क्या था, अ ग्रीक लेजेंड हैपन्स टू बी द बेसिस ऑफ द पोयम थिंक ऑफ ब्यूटी। इन दिस ग्रीक लेजेंड अ यंग शेफर्ड, शेफर्ड मतलब गडरिया, बाय द नेम ऑफ एंडीमियन, उस गडरी का नाम क्या है, एंडीमियन, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस। दिस यूथ मेक्स अ रेजोल्यूशन टू गो आफ्टर हर एंड सीकर, उसको देखता है वो उसकी खूबसूरती से बड़ा ही आकर्षित हो जाता है, तो वो उस क्या तय करता है कि वो उसके पीछे जाएगा, और उसको रेजोल्यूशन वो तय करता है, वो अपने में दृढ़ निश्चय करता है कि उसके पीछे जाएगा और ढूंढ के लाएगा। इन दिस क्वेस्ट, और इस ढूंढने के चक्कर में, ही वॉन्डर्स थ्रू द फॉरेस्ट एंड अंडर द सी, वो जंगल में और समुद्र के नीचे वगैरह घूमता है। और फिर पोएम में क्या होता है, इन द पोएम द पोएट टेल्स अस दैट ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग इमेंस प्लेजर एंड डिलाइट, कि खूबसूरत चीजें जो है वो इंसान में एकदम से खुशी और आनंद लेके आते हैं। फर्दर मोर आगे द पोएट एक्सप्लेन्स दैट गॉड क्रिएशन प्रोवाइड हैप्पीनेस एज वेल एज एनर्जी, कि भगवान की जो कृतियां हैं वह हमें एनर्जी और खुशी देती हैं। द थिंग्स प्रेजेंट ऑल अराउंड प्रोवाइड अस विद प्लेंटी ऑफ रीजंस टू फील हैप्पी, कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो हमें इतनी सारी वजह देती, प्रोवाइड अस विद प्लेंटी ऑफ रीजंस, बहुत सारी वजह है कि हम खुश और अच्छा सा फील करें। मोर ओवर द ब्रेव सोल्जर्स स्टोरीज, और आगे चल के पोएट क्या कहता है कि उन ब्रेव सोल्जर्स की स्टोरीज जो है ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड एंथ्यूजियाज्म टू द लव लाइफ, हमें
आनंद जगाता है, उत्साहित करता है और हमें इंस्पायर करता है कि हम जिंदगी को प्यार करें, क्योंकि हमारे सोल्जर्स जो हैं उन्होंने हमें जीना सिखाया। ब्यूटी इज अ हेवनली टॉनिक। खूबसूरती क्या है? वो हेवनली टॉनिक है, स्वर्गीय टॉनिक है। फर्दर मोर इट इज लाइक एन एंडलेस माउंटेन ऑफ नेक्टर। नेक्टर होता है अमृत। तो कि आगे चल के ये जो खूबसूरती है, नेचर है, ये अमृत का झरना है। ऑल्सो ब्यूटी कैन कम इन वेरियस फॉर्म्स। और सिर्फ यही नहीं कि नेचर के रूप में ब्यूटी किसी भी रूप में आ सकती। ब्यूटी गिव्स अस गुड हेल्थ, रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर लाइव्स, रिजल्टिंग इन एवर लास्टिंग जॉय। कि खूबसूरती हमें अच्छी हेल्थ देती है और हमारे जिंदगी से सैडनेस हटाती है, और इसका क्या परिणाम रहता है? हम हमेशा खुश रहते हैं। अब हम इसकी डिटेल समरी देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स। देखिए क्वेश्चन में आपको अगर शॉर्ट में समरी है, दो तीन नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये लिखना है, और जब डिटेल समरी आ जाती है आपको लेंदी आंसर देना है तो इस तरह से लिखना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स। फर्दर मोर द पोएट सेज दैट अ ब्यूटिफुल थिंग कैन गिव अस एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड डिलाइट। आगे चल के फर्दर मोर आगे चल के पोएट कहता है कि ब्यूटिफुल थिंग, खूबसूरत चीजें, कैन गिव अस एक्सट्रीम EXTREME एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड डिलाइट। डिलाइट की स्पेलिंग है DELIGHT। मोर ओवर, और इससे ज्यादा, मोर ओवर अ ब्यूटिफुल थिंग इज एक्सटर्नल दैट नेवर डिक्लाइंस और फेड्स इटर्नल, सॉरी ETERNAL। तो खूबसूरत चीज जो होती है वो इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होती, नेवर डिक्लाइंस और फेड, वो कभी फेड भी नहीं होती, FADE। ऑल्सो अ ब्यूटिफुल थिंग रिजेम्बल्स अ शेडी शेल्टर। खूबसूरती जो है वो क्या रिजेम्बल करती? शेडी शेल्टर, विच गिव्स अस अ कम्फर्टेबल स्लीप कम्प्राइजिंग ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड रिलैक्सेशन। शेल्टर SHELTER, शेल्टर मतलब आश्रय। खूबसूरत चीज जो है वो हमें छायादार आश्रय देती है, विच गिव्स अस अ कम्फर्टेबल COMFORTABLE कम्फर्टेबल स्लीप कॉम्प्राइजिंग, जिसमें क्या क्या होता है? COMPRISING कॉम्प्राइजिंग ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड रिलैक्सेशन, और रिलैक्स करती है हमें RELAXATION रिलैक्सेशन। दिस विल अल्टीमेटली लीड टू गुड हेल्थ, और एक अच्छी नींद, आनंददायी नींद हमें आखिर में जाके अल्टीमेटली की स्पेलिंग ULTIMATELY अल्टीमेटली लीड टू गुड हेल्थ, हमें अच्छा हेल्थ देती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है। द ऑथर सेज दैट इंडिविजुअल्स हैव एन अटैचमेंट टू द अर्थली थिंग्स। कि हम इंसानों की इस पृथ्वी की चीजों से अटैचमेंट है। अटैचमेंट की स्पेलिंग ATTACHMENT अटैचमेंट। इंडिविजुअल्स की स्पेलिंग INDIVIDUALS इंडिविजुअल्स। दिस अटैचमेंट इज सच दैट इट हैज अ रिजेम्बलेंस ऑफ अ फ्लावरी रेथ। एक और ये जो अटैचमेंट है ये हमें किस तरह लगता है? फूलों के माला की तरह। फर्दर मोर देर आर ट्रैप्स दैट कीप पीपल कनेक्टेड टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। कई ऐसी जाल है, ट्रैप होता है जाल। आगे चल के पोएट कहता है कि ऐसे बहुत सारे ट्रैप है, TRAPS ट्रैप्स दैट कीप पीपल कनेक्टेड टू मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक नश्वर जो चीजें होती हैं, सामग्री वाली वस्तुएं, MATERIAL मटेरियल, और ISTIC ये और जुड़ा तो मटेरियलिस्टिक, जो हमें मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जोड़ता है। दिस कनेक्शन विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स डिस्ट्रैक्ट ह्यूमन फ्रॉम इटर्नल हैप्पीनेस। और ये जो नश्वर चीजों के प्रति इंसानों का प्रेम है वो इंसान को इटर्नल अमर आनंद जो है, अनश्वर आनंद जो है, उससे डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब
घुमा देता है, उसको डाइवर्ट करता है, DISTRACTS, डिस्ट्रैक्ट्स ह्यूमंस, इंसानों को फ्रॉम इटर्नल हैप्पीनेस, जो अंदरूनी खुशी है, जो अमर है. दिस इज बिकॉज द फोकस ऑफ सच मटेरियलिस्टिक पीपल विल बी ऑन एक्वायरिंग मोर एंड मोर सोर्सेज रादर देन ऑन अटेनिंग इटर्नल हैप्पीनेस. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों का जो ध्यान क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने में, न कि उनका ध्यान खुशियां हासिल करने में नहीं होता, चीजें एकत्रित करने में होता है. द वर्ल्ड हैज अ लॉट ऑफ निगेटिविटी. निगेटिविटी मतलब नकारात्मकता, निगेटिव से बना है निगेटिविटी, NEGATIVITY, निगेटिविटी. हेट्रेड, हेट्रेड होता है नफरत, नकारात्मकता, नफरत एंड ग्रीड, और बहुत लालच है इस दुनिया में. अकॉर्डिंग टू द पोएट द कॉज ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस इज दिस निगेटिविटी, कि दुनिया में इस दुख और तकलीफ की क्या मुख्य वजह है, ये निगेटिविटी. मोर ओवर वन कैन फेड अवे दीज निगेटिव वाइब्स अवे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स दैट आर सराउंड अस. लेकिन इंसान इन निगेटिव वाइब्स को, ये जो निगेटिव सोच आ रही है, विचार आ रहे हैं, इनको इंसान कैसे दूर कर सकता है, कैसे फेड कर सकता है? अपने इर्द गिर्द जो खूबसूरत नेचुरल चीजें हैं उनको देख के. दिस इज बिकॉज दीज ब्यूटिफुल थिंग्स ब्रिंग नथिंग बट पॉजिटिविटी. ये जो प्राकृतिक खूबसूरती है, ये क्या है? पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लाती है इंसान में, अच्छे अच्छे विचार लाती है. द पोएट इन्फॉर्म्स अस अबाउट सम ब्यूटिफुल थिंग्स. अब क्या है, पोएट ने नकारात्मकता की बात की, अब वो आगे आके हमें कुछ खूबसूरत जो नेचुरल चीजें हमारे इर्द गिर्द, दैट आर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो खूबसूरत चीजें हैं, उनके बारे में बात करता है. ब्यूटी इज सर्टेनली इन द आईज ऑफ द वन हु बिहोल्ड्स. एक कहावत है कि देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है. मतलब आप अगर किसी खूबसूरती को देखते हैं, तो इसका मतलब आपकी आंखों में वो कैपेसिटी है जो खूबसूरती को देख सके, वरना उसी चीज में किसी को बदसूरती भी नजर आ सकती है. तो देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है. दिस मीन्स वन कैन सी ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटी इन एनीथिंग. इसका मतलब इंसान हर चीज में खूबसूरती देख सकता है. फर्दर मोर, आगे चल के द पोएट टॉक्स अबाउट न्यूमरस क्रिएशंस ऑफ गॉड. न्यूमरस, कई, NUMEROUS, क्रिएशंस, CREATIONS, क्रिएशंस ऑफ गॉड, विच वी शुड एडमायर, ADMIRE. कि आगे चल के पोएट जो है वो बहुत सारे भगवान के द्वारा बनाई गई बहुत सारी ऐसी चीजों को गिनवाता है जिनको हमें एडमायर करना चाहिए, जिनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए. वन सच क्रिएशन इज द सन दैट प्रोवाइड्स एनर्जी. सूर्य जो है वो हमें एनर्जी देता है. द पोएट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ मून. चंद्रमा के बारे में बात करता है, उसकी खूबसूरती के बारे में बात करता है. द नेचुरल ब्यूटी ऑफ ट्रीज, चाहे पेड़ छोटे हो बड़े हो, उनके बारे में बात करता है. देयर आर वेरियस एनिमल्स अराउंड दैट मेक आर वर्ल्ड लाइवली. और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारी दुनिया को जीवित बताते हैं, जैसे शीप वगैरह. द प्रेटी फ्लावर्स लाइक डेफोडिल्स एनहांस द लाइवलीनेस एंड ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड. और खूबसूरत फूल, डेफोडिल बहुत खूबसूरत होता है, वो हमारे एनहांस, ENHANCE, एनहांस करता है, मतलब बढ़ाता है द लाइवलीनेस, LIVE, लाइव, LINESS, लाइवलीनेस एंड ग्रीनरी, GREENERY, ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड. डेफोडिल जो है वो इस विश्व की खूबसूरती को बढ़ाते हैं. मोर ओवर द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट. और जो बहते झरने हैं, स्ट्रीम, STREAMS, स्ट्रीम्स प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट, हमें ताजगी प्रोवाइड करते, ताजगी देते हैं. REFRESH, रिफ्रेश, MENT, मेंट, रिफ्रेशमेंट एंड कूलिंग इफेक्ट टू अस इन द हॉट समर सीजन. गर्मी में ये जो बहते झरने हैं, ये जो बहती धाराएं हैं, स्ट्रीम्स हैं,
वो हमें कूलिंग इफेक्ट देते हैं और ताजगी देते हैं, रिफ्रेशमेंट देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। द फॉरेस्ट हैव प्लेंटी ऑफ प्रेटी मस्क रोज फ्लावर्स, और जंगलों में मस्क रोजेस खिले हुए हैं। सच रोजेज आर अ ब्यूटिफुल साइट एंड आईज फील डिलाइट ड्यू टू देम। और इतनी खूबसूरत जो दृश्य है फूलों से खिलावा हरियाली वाला, दैट गिव्स डिलाइट टू आई, वो हमारी आंखों को आनंद देता है। ऑल सच थिंग्स सर्टेनली आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और ये सारी जो प्रकृति में खूबसूरत चीजें गिनाई है कवि ने, वो खुद बहुत सुंदर है, वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। ऑल्सो वन मस्ट नॉट फॉरगेट द ब्यूटिफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, और इंसान को उन ब्रेव सोल्जर्स जो हमारे वीर सैनिक हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं, उनकी कहानियों को और खूबसूरत कहानियां और जो इंस्पायरिंग कहानियां हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। दीज ब्रेव सोल्जर्स रिस्क्ड एंड सेक्रीफाइज्ड देयर लाइव्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अदर्स। क्यों? क्योंकि इन सैनिकों ने अपनी जिंदगियां खतरे में डाली और बलिदान दी, सेक्रीफाइज्ड देयर लाइव्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अदर्स, दूसरों की जिंदगी बचाने में। इस उन सैनिकों ने अपनी जिंदगियों का बलिदान दिया दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए, इसलिए हमें उनकी जो खूबसूरत कहानियां हैं सोल्जर्स की, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। दीज ब्यूटिफुल थिंग्स हैव अ रिजेम्बलेंस टू द फाउंटेन ऑफ इमोर्टेलिटी बेस्टोड अपॉन अस बाय गॉड एज अ गिफ्ट एंड ब्लेसिंग। ये जो खूबसूरत चीजें हैं प्रकृति में, वो भगवान की तरफ से हमें अमरत्व प्रदान करने वाली आशीर्वाद है। सच ब्यूटिफुल थिंग्स आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू कंटिन्यू लिविंग। ये भगवान द्वारा दी गई खूबसूरती हमें इंस्पायर करती है अपनी जिंदगी को जीने के लिए। दे मेक लाइफ वर्थ लिविंग, वो हमारे जीवन को जीवन बनाती है, जीने योग्य बनाती है। ऑल्सो दे ऑल्सो हेल्प अस इन मेंटेनिंग आवर फेथ इन गुडनेस, और ये खूबसूरत चीज जो है फेथ FAITH, फेथ मतलब हमारा भरोसा विश्वास, ये प्रकृति में आई हुई खूबसूरत चीजें जो है अच्छाई में हमारा भरोसा बढ़ाती है। लाइफ विदाउट दीज ब्यूटिफुल थिंग्स वुड सर्टेनली बिकम वेरी हार्ड, कि इन खूबसूरत चीजों के बिना हमारी जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इस कहानी का इस पोएम का कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, अ थिंग ऑफ ब्यूटी समरी टेल्स अस द वैल्यू ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स दैट आर ऑल अराउंड एंड अराउंड अस एंड दैट वन मस्ट चेरिश देम। ये जो पोयम है ये हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमें खूबसूरत चीजों की वैल्यू करनी चाहिए और इनको चेरिश मतलब बढ़ाना चाहिए, CHERISH, चेरिश मतलब उनको बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों ये हमारी एक पोयम है, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, ठीक है ना। इसको आई होप आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताई है, साथ ही साथ मैंने इसकी समरी भी बता दी आपको शॉर्ट में भी डिटेल में भी, और जहां जहां मैंने एक्सप्लेनेशन दी है या स्पेलिंग्स बताई हैं वो मेरे ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। बच्चों इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।